सो दिस इज़ द ऑल न्यू डी जी आई ऑस्मो एक्शन 4, एक डी जी आई का फ्लैगशिप एक्शन कैमरा जो रिसेंटली रिलीज हुआ है, और इसमें आप 4K 120 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। आगे और पीछे दोनों साइड टच स्क्रीन मिलती हैं, और बढ़िया चीज़ ये है कि आप इसमें हॉरिजॉन्टल तो शूट कर ही सकते हो, साथ ही साथ वर्टिकल मोड में भी आपको ऑप्शन मिलता है टू रिकॉर्ड वीडियोज़। और काफ़ी फीचर्स हैं इस एक्शन कैमरा में जो हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में, बिकॉज ये भी देखना है कि एक्शन 3 से एक्शन 4 में कितने डिफरेंसेज आए हैं, और GoPro 11 और एक्शन 4 में कौन सा बेटर चॉइस है, ये सब इस वीडियो में मैं आपको आंसर करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं कि क्या ये एक्शन कैमरा वर्थ है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले एक काम करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये एडवेंचर कॉम्बो है DJI Osmo Action 4 का, इसको अनबॉक्स करते हैं एंड लेट मी शो यू कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है, बिकॉज इस पैकेज में बहुत सारी एक्सेसरीज हैं जो एक एक्शन कैमरा के साथ आनी चाहिए, वो इसके अंदर हैं। तो जल्दी से एक बार बॉक्स खोलते हैं एंड लेट्स सी कि अंदर क्या क्या है। तो बॉक्स ओपन करते ही मुझे यहाँ पे दो बॉक्सेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है Osmo Action 4 और एक के ऊपर लिखा हुआ है एक्सेसरीज, ये है। उसके अलावा यहाँ पे बॉक्स में सबसे नीचे ना एक स्टिक है, तो ये बेसिकली आपको साथ में 1.5 मीटर एक एक्सटेंशन रॉड मिलती है जो इस तरीके से आप एक्सटेंड कर सकते हो, और अराउंड 5 to 5.5 feet ये स्टिक चली जाती है। काफ़ी सही है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा लग रहा है, ग्रिप भी काफ़ी सही है, टेक्सचर वाली ग्रिप है, और यहाँ बेसिकली होल्डर है जहाँ पर आप अपने एक्शन कैमरा को लगा सकते हो। तो इसको साइड में रखते हैं और पहले ये जो दो बॉक्सेज है ना इसको ओपन करते हैं, लेट्स सी कि अंदर क्या क्या है। पहले है ये Osmo Action 4 वाला बॉक्स, तो इसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पे मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं, ये वाला पहले देख लेते हैं निकाल के। ओके, तो यहाँ पे है हमारा Osmo Action 4 एक्शन कैमरा, ठीक है। इसको आगे मैं वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा, तो एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ बी रोल में दिखा देता हूँ कैसे ये कैमरा लगता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे अगर मैं इसको स्लाइड करता हूँ तो यहाँ बैटरी और कार्ड का ऑप्शन है, ठीक है। दूसरी साइड हमें यहाँ पे ये जो स्लॉट मिलता है, इधर सी टाइप चार्जिंग केबल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो इवन माइक्रोफोन लगाने के लिए। ऑन एंड ऑफ का बटन है, ऊपर की साइड पावर बटन है, एंड बैक साइड पर ऑब्वियसली अपनी LCD स्क्रीन है जिसको यूज़ करके आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, प्रीव्यू देख सकते हो। बढ़िया चीज़ ये है आगे की साइड भी स्क्रीन है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। बॉक्स के अंदर जो दूसरी चीज़ है वो निकाल लेते हैं जो काफ़ी काम के आपके रहने वाली है, क्योंकि ये है हमारा केस। तो ये प्लास्टिक का केस है जो बेसिकली इस तरीके से इसके अंदर आपका एक्शन 4 जो है वो यहाँ पे स्लाइड होके, एक सेकेंड, हाँ इस तरीके से ये एक्शन कैमरा अंदर चले जाएगा। और यहाँ पे ऊपर की साइड ये लॉक मिलता है जिसको मैं इस तरीके से स्लाइड करके लॉक कर सकता हूँ। अब इसका यूज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ ये आपके एक्शन कैमरा को सिक्योर रखेगा, बट उसका मेन यूज़ ये नहीं है। मेन यूज़ है इस साइड में ना, दूसरी तरफ पे ये माउंट है जिसमें आप इस तरीके से अपनी एक्सेसरीज लगा सकते हो या कैमरा को वर्टिकल माउंट पे यूज़ कर सकते हो। तो अब आते हैं दूसरे बॉक्स के अंदर जो एक्सेसरीज वाला है, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था, बिकॉज जब मैंने ऑलरेडी बॉक्स ओपन किया हुआ है तो मुझे देखने को मिला इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। सबसे पहले ये आपका मैग्नेटिक क्लैंप ही है, बट ये एक दूसरा यूनिट है बॉक्स के अंदर। एक यूनिट तो था जो ये वाला है अपना, दूसरा जो है ना अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, जिस वजह से आप थोड़ी लॉन्गर स्टिक्स में या ऐसी जगह ये माउंट यूज कर सकते हो जहां आपका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रहेगा एक्शन कैमरा से। उसके बाद यहां पे मुझे ये दो लॉकिंग स्क्रूज मिलते हैं जो मैं यूज कर सकता हूं ऑब्वियसली इन माउंट्स के साथ, जहां आप किसी भी अलग एक्सेसरी में अगर आपको लगाना है तो आप ये स्क्रूज यूज कर सकते हो। उसके बाद यहां पे है अपनी C-type to C-type केबल जो ऑब्वियसली हम एक्शन कैमरा को चार्ज करने के लिए यूज करेंगे। देन यहां पे मुझे और कुछ दिख रहा है, ओके, तो ये है यहाँ पे कर्व्ड एडहेसिव स्टैंड जिसको आप अपनी गाड़ी में, बाइक में या कहीं पे भी लगा सकते हो जहाँ आपको बेसिकली स्टिक करना है, तो ये आपको मिल जाता है। उसके बाद सबसे एक्साइटिंग चीज़ इस बॉक्स में और सबसे वन ऑफ द लास्ट थिंग्स इज़ ये चार्जिंग केस जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। पहली चीज़ अगर आप देखोगे ये जो वेट था मेरे अंगूठे जितना है, बहुत कॉम्पैक्ट है। यहाँ पे मैं बटन दबा के देख सकता हूँ कि बैटरी लेवल कितना है। तो इस बॉक्स के अंदर आपको दो एक्स्ट्रा बैटरीज मिलती हैं, एक्चुअली तीन बैटरी थी, तीसरी मैंने एक्शन कैमरा में ऑलरेडी लगा रखी है, तो इन टोटल आपको इस कॉम्बो में तीन बैटरीज मिलेंगी जिसको आप यूज़ कर सकते हो। इसी बॉक्स से आप तीनों बैटरी चार्ज भी कर सकते हो और साथ में आप लेके जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो यू कैन कैरी दिस केस। और आपको एक ही एक्स्ट्रा लेंस कवर भी मिलता है बॉक्स के अंदर, तो बाय चांस अगर आपका ये ऑलरेडी एक डैमेज हो जाता है तो आपको एक स्पेयर बैकअप इसमें मिल रहा है। तो ये था कि इसका क्विक अनबॉक्सिंग। अब
बाकी की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब एक चीज जो मुझे एक्शन 4 में काफी बढ़िया लगी है, एक्शन 3 में भी थी, दैट इज मैग्नेटिक क्लैंप। और ये बहुत बढ़िया चीज है, मान लेते हैं मुझे इसमें कोई एक्सेसरीज लगानी है इस तरीके से, ये DJI एक्शन का ही जो स्टिक आती है वो यूज करनी है, तो इस तरीके से मैं हॉरिजॉन्टली भी यूज कर सकता हूँ, सीधा मुझे क्लिप करना है, मैग्नेटिक है तो अपने आप इसके ऊपर क्लिप हो जाता है। एंड मान लेते हैं अगर मुझे वर्टिकल ओरिएंटेशन भी करना है तो मैं इस तरीके से सीधा यहाँ पे अपना एक्शन कैमरा लगा दूंगा, ये लॉक हो जाएगा, क्लिक की आवाज आएगी एंड उससे आपको बेसिकली एक आइडिया हो जाएगा कि ये सिक्योर है और इस तरीके से मैं वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मुझे बढ़िया लगी। नॉर्मल कहीं एक्शन कैमराज में देखने को मिलते हैं नीचे की तरफ वो जो दो स्टिक्स निकलती हैं जिसमें हमें एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगानी पड़ती हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बहुत जगह ना बहुत कैमराज में वो टूट भी जाती हैं, और हीटिंग जब होती है कैमरा में तो वो कहीं ना कहीं बहुत हॉट हो जाता है। ये जो माउंटिंग सिस्टम है एक्चुअली मुझे काफ़ी बढ़िया लगा और आई थिंक आने वाले एक्शन कैमराज में दिस इज द वे फॉरवर्ड। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको वर्टिकल में यूज़ करना है ना एक्शन 4 को, तो आपको ये जो केस अलग से इस बॉक्स के अंदर ही मिलता है विद द एक्शन कैमरा, वो यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज वहाँ पे ही आपको वर्टिकल माउंटिंग का ऑप्शन मिलता है, विच आई थिंक इट्स गुड बिकॉज आपका कैमरा भी सिक्योर रहता है, साथ ही साथ बहुत ईजिली वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कर सकते हो। अब चाहे इंस्टाग्राम रील्स हो या यूट्यूब शॉर्ट्स हो, ऑलमोस्ट हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वर्टिकल वीडियोज प्रेफर करता है, और ये चीज़ बढ़िया है एक्शन 4 में डेडिकेटेडली आप स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा वर्टिकल वीडियो शूट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया मैग्नेटिक माउंट है, तो इस तरीके से मैं लगा के अपने एक्शन कैमरा से जब भी रिकॉर्ड करूंगा मुझे अलग से कुछ सेटिंग एनेबल नहीं करनी, कुछ मोड ऑन नहीं करना, मैं डायरेक्ट इस तरीके से वर्टिकल अपना एक्शन कैमरा रखूंगा, रिकॉर्ड करूंगा और डायरेक्टली आउट ऑफ दिस कैमरा मुझे वर्टिकल वीडियो मिल जाएगी। तो कुछ सैंपल शूट करते हैं, देखते हैं आउटपुट कैसा आता है। तो कुछ इस तरीके से मैं डायरेक्टली एक्शन 4 से वर्टिकल में वीडियो शूट कर सकता हूँ। आप अगर कैमरा में देख रहे होगे BTS में, मैंने वर्टिकल में एक्शन 4 पकड़ा हुआ है और इस तरीके से ये वर्टिकल वीडियो डायरेक्टली आउट ऑफ कैमरा आ रही है। तो ये चीज़ बढ़िया है कि कुछ सेटिंग वेटिंग चेंज नहीं करनी, सीधा रिकॉर्ड का बटन दबाओ और आप वर्टिकल में वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर सकते हो। बाय द वे मैं अभी 4K 30 FPS पे शूट कर रहा हूँ, अप टू 120 शूट कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं टॉकिंग वीडियो बना रहा हूँ 120 FPS की कोई ज़रूरत नहीं। अब एक चीज़ बढ़िया है कि DJI एक्शन 4 में ना दोनों साइड पे डिस्प्ले है, बट डिस्प्ले के साथ ही साथ दोनों स्क्रीन टच स्क्रीन है, तो मुझे ये चीज़ बढ़िया लगी। इवन GoPro में मैंने देखा आगे की स्क्रीन तो होती है बट टच स्क्रीन नहीं है, बट यहाँ पे एक्शन 4 में, एक्शन 3 में भी टच स्क्रीन था, बट यहाँ पे भी मैं टैप करके ना इस तरीके से अपना रेजोल्यूशन चेंज कर सकता हूँ, मुझे वाइड एंगल कितना चाहिए, मैनुअल सेटिंग्स चेंज करनी है, जूम इन जूम आउट करना है, इवन अगर मुझे प्रीव्यू करना है फाइल वो भी यहाँ से हो सकता है, और अगर आपको मोड चेंज करने हैं वो भी फ्रंट स्क्रीन से ही बेसिकली आप कर सकते हो। तो शूट करते हुए ऐसा नहीं है कि आपको बार बार बैक स्क्रीन पे जाकर फिर सेटिंग चेंज करनी पड़ेंगी, आगे की स्क्रीन से भी आप इजीली चीज़ें चेंज कर सकते हो। अब DJI ना एक्चुअली इस एक्शन कैमरा को एक एडवांस टॉप ऑफ द लाइन एक्शन कैमरा बोल रहा है, क्यों? बिकॉज अगर मैं कलर प्रोफाइल में जाता हूँ ना, मुझे यहाँ पे D-Log-M कलर प्रोफाइल मिलती है जिसमें आप 10-bit में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपको आइडिया नहीं है, बेसिकली नॉर्मल वीडियो 8-bit में होती है और अगर आप D-Log-M में कर रहे हो 10-bit में आपको वीडियो मिलेगी जिसमें बेसिकली डायनामिक रेंज बेटर है, आप एडिटिंग में अपने हिसाब से कलर्स बेटर कंट्रोल कर सकते हो और कहीं ना कहीं हाईलाइट्स एंड शेडोज का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा बेटर रिकॉर्ड हो पाता है सेंसर में। तो ये एक बढ़िया चीज़ मुझे लगी। और अगर मैं सेंसर की बात करूँ ना, तो एक्शन 4 में एक्चुअली GoPro 11 से बिगर सेंसर है, विच इज़ 1/1.3 inches। अगर मैं हीरो 11 की बात करूँ तो उसमें 1/1.9 inch का सेंसर है, जो कंपैरेटिवली इससे थोड़ा छोटा है। तो अब बात करते हैं इसके स्टेबलाइजेशन और क्वालिटी की, फोटो एंड वीडियो। सबसे पहले अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूँ तो ऑलरेडी पिछले साल एक्शन 3 में स्टेबलाइजेशन काफ़ी बढ़िया थी, बट एक्शन 4 में और ज़्यादा इंप्रूव मुझे लग रही है। स्पेशली जो इसका रॉक स्टडी और रॉक स्टडी प्लस है ना, जैसे आपने वो भागते हुए वाली फुटेज देखी, तो वहां पे हार्डली एनी शेक इज देयर, जस्ट लाइक कि आप गिम्बल में कैमरा लेके चल रहे हो। तो अगर आप स्टेबलाइजेशन के हिसाब से देख रहे हो, एक्शन 4 बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें ना एक होराइजन स्टेडी करके मोड है, उसमें बेसिकली क्या होता है, मैं जितना भी एक्शन कैमरा को ऐसे ऐसे घुमा दूँ ना, जो मेरी फुटेज है वो एकदम सीधी रहने वाली है। ट्राई करके देखते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो बेसिकली होता क्या है, इस तरीके से अगर आप देखोगे, मैं अभी ये जो एक्शन कैमरा है इसको घुमा रहा हूँ, तो एज लॉन्ग एज आप 45 degree तक लेफ्ट या राइट घुमा रहे हो, आप अगर फाइनल आउटपुट देखोगे उसमें मेरी वीडियो बिल्कुल भी नहीं हिल रही, बट एक्चुअली मेरा एक्शन कैमरा मैं इस तरीके से रोटेट कर रहा हूँ। तो अगर आप ज़्यादा एक्शन शूट करने वाले हो, भागते हुए वीडियो या ट्रैकिंग करते हुए ऐसे अनइवन सर्फेसिस में आप वीडियो करने वाले हो, तो ये मोड बहुत सही है, स्पेशली जब आप ऐसी वीडियो शूट कर रहे हो ना, जहां आपको चाहिए कि आप बहुत एक्शन शूट करोगे और आपका एक्शन कैमरा लाइक 45 degree है, उससे ज़्यादा मूव होने वाला है, तो वहां पे ये एक्चुअली आप इस मोड को यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर आप ये होराइजन स्टडी मोड यूज़ करने वाले हो ना, वैसे तो 4K 120 तक रेजोल्यूशन जाता है, बट इस मोड में आप सिर्फ 4K 60 तक ही जा सकते हो। अगर आप 120 में रिकॉर्ड कर रहे हो 4K में, तो ये मोड एनेबल नहीं होगा, बेसिकली ये डिसेबल हो जाएगा और नॉर्मल स्टेबलाइजेशन मोड में चले जाएगा। ओके, तो अभी जो ये सैंपल है मैं 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अल्ट्रा वाइड है, तो आप देख सकते हो लाइक
सबसे वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू जो पॉसिबल है वो ये वाला ऑप्शन है, और मुझे लाइक सही लग रहा है, काफ़ी वाइड है। मैं आपको लोकेशन दिखा सकता हूँ, मान लेते हैं मुझे इस तरीके से आपको पीछे की साइड दिखाना है कि अभी मैं इस लोकेशन पे हूँ, हम पार्क में शूट कर रहे हैं। तो ये है इसका वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू, और यहाँ पे मैं ऑडियो टेस्ट भी करना चाहता हूँ, तो आपको मेरी ऑडियो आ रही होगी, डायरेक्टली एक्शन फोर से है। माइक भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कौन सा कैसे, बट अभी जो ऑडियो आ रहा है डायरेक्टली एक्शन फोर में है। तो कैसा ऑडियो आ रहा है आपको आइडिया लग जाएगा। अभी काम करते हैं, बाकी एंगल ऑफ व्यू और रेजोल्यूशन भी एक बार टेस्ट करते हैं। तो अभी जो है वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4K 30 FPS पे, और मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल चूज़ किया है जो सबसे वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू है। एंड एक बार पार्क लाइट सिचुएशन में देख लेते हैं, सन अभी मेरे एकदम पीछे है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डायनामिक रेंज ये कैसे कैप्चर कर रहा है, बिकॉज पहले जब मैंने एक बार टेस्ट करा था वहाँ पे एक्शन 3 का उतना इंटरेस्टिंग डायनामिक रेंज नहीं आया था अगेंस्ट GoPro 11, बट यहाँ पे आई वुड लाइक टू सी कि कैसा डायनामिक रेंज रिकॉर्ड हो रहा है। आप भी कमेंट करके अपने व्यू बता सकते हो। तो अभी ये अल्ट्रा वाइड है, एक बार मैं वाइड पर जाता हूँ डिफरेंस देखने कितना आता है। और अब मैंने स्विच कर लिया है वाइड एंगल पर, जो थोड़ा सा नैरो है तो आपको कम वाइड देखने को मिल रहा होगा, बट स्टिल ये भी अपने आप में काफ़ी वाइड है, बिकॉज एंगल ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो पहले अल्ट्रा वाइड था ना वो 155 डिग्री पे था, जो GoPro से थोड़ा वाइड है, और अभी जो ये दिस इज वाइड एंगल। तो एक बार मैं नैरो पे भी स्विच करता हूँ एंड वहाँ पे भी एक आइडिया ले लेते हैं कैसा आउटपुट है। अब 4K में ये नैरोएस्ट ऑप्शन आपको मिलता है स्टैंडर्ड करके, उसमें लिखा हुआ है DWOP, बट दिस इज द स्टैंडर्ड एंगल ऑफ व्यू, और डायनामिक रेंज का इससे एक आइडिया लग जाएगा। बट ऑल ओवर मुझे देखना है कि बिकॉज ये एक एंगल ऑफ व्यू है जहाँ मैं मोस्टली इस कैमरा को यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा वाइड एंगल भी नहीं है और ज़्यादा नैरो भी नहीं है, तो देखने में बढ़िया लगता है। स्पेशली अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, आई थिंक दिस इज द बेस्ट सूटेड ऑप्शन जो आपको इस कैमरा में मिलता है। बाकी अभी जो ऑडियो आ रहा है ना वो एक्शन 4K इंटरनल माइक्रोफोन से ही आ रहा है, तो ये भी मैं देखना चाहता था, बिकॉज आसपास भी अभी यहाँ काफ़ी लोग आए हैं इस पार्क में घूमने, तो ये नॉइस कैसे ले रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है, वो भी देखना एक आइडिया आपको लग जाएगा। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर आप 4K 120 FPS में शूट करने वाले हो तो आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, 4K 60 FPS तक ही अल्ट्रा वाइड का ये ऑप्शन है। तो अभी मैं 4K 60 में शूट कर रहा हूँ सो दैट अल्ट्रा वाइड वाला ऑप्शन मिल जाए, पर जैसे मैं 120 पे स्विच करूँगा तो वो अल्ट्रा वाइड नहीं आता, वाइड वाला ऑप्शन आता है, जो थोड़ा सा नैरो है बट स्टिल इट्स वाइड इनफ। तो वीडियो में थोड़ी देर पहले मैंने माइक्रोफोन के बारे में बात करी थी, और मैंने कहा था कि आप एक्सटर्नल माइक भी लगा सकते हो। तो बढ़िया चीज़ है, अगर आपके पास DJI माइक है या आप लेने का प्लान कर रहे हो तो एक्सटर्नल माइक अगर आपको यूज़ करना है वायरलेस, तो इस तरीके से आप ये DJI माइक लगा सकते हो। तो अभी जो आप ये ऑडियो सुन रहे हो ये एक्शन 4 से नहीं आ रही है, DJI माइक से आ रही है, जो मुझे काफ़ी सही लगा, बिकॉज DJI माइक ऑलरेडी मेरे पास था, तो मैं इस एक्शन कैमरा में लगा के अपनी ऑडियो को और ज़्यादा क्रिस्प एंड बेटर शूट कर सकता हूँ। और एक और चीज़ है कि मान लेते हैं अभी मैं मान लेते हैं एक्शन कैमरा पकड़ा देता हूँ, उस्मान एक बार पकड़ना, तो मान लेते हैं कि मैं थोड़े डिस्टेंस पे जाके वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो इस तरीके से माइक क्योंकि मेरे साथ है तो ऑडियो का लेवल उतना ही रहेगा जितना मैं जब एक्शन कैमरा के पास था। तो अभी मैं ऑलमोस्ट 10 फीट दूर हूँ एक्शन 4 से, स्टिल मेरा ऑडियो क्रिस्प एंड क्लियर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैंने अपनी टी शर्ट में माइक्रोफोन लगाया हुआ है, जिस वजह से जो ऑडियो है वो एकदम सही रहेगा और मुझे क्रिएटिव फ्रीडम मिल जाती है कहीं ना कहीं कि मैं डिस्टेंस पे जाके भी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अब अगर मैं ऑडियो की बात करूँ ना, तो एक चीज़ अगेन मुझे काफ़ी सही लगी एक्शन 4 में, वो है कि ऑडियो के आपको ऑप्शन मिलते हैं, एक है फ्रंट जहाँ पे सिर्फ फ्रंट से ही ऑडियो लेगा, बट अभी मैंने इसको स्टीरियो पे रखा हुआ है, तो स्टीरियो का बेनिफिट क्या है, इसके आगे भी माइक्रोफोन है, ऊपर की साइड भी माइक्रोफोन है, तो बेसिकली अगर आप आगे से भी बोल रहे हो जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्रंट साइड से, वही अगर मैं बैक साइड में घुमा देता हूँ तो अभी भी ऑडियो आइडियली बेटर रहना चाहिए, क्यों, बिकॉज ये स्टीरियो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है जहाँ पे बेसिकली ऊपर की साइड भी माइक्रोफोन है आगे भी है, जिससे बेसिकली एक इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं वीडियो में मिल जाता है। बस एक चीज़ मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी, वो है इसमें आगे भी माइक है, ऊपर की साइड भी माइक है, पीछे ऐसा नहीं है, तो जब मैं सामने देख के बोल रहा हूँ ना तो बहुत बढ़िया ऑडियो आता है, जब मैं बैक साइड पे करता हूँ और लेंस आगे की तरफ है तो मुझे लगा ऑडियो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है कंपेयर टू जब मैं आगे देख के बोल रहा होता हूँ। तो वो एक पॉइंट मुझे कहीं ना कहीं ड्रॉबैक तो नहीं, बट हाँ ये एक फीडबैक था जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। अब कई बार क्या होता है, मान लेते हैं आप 2 से 3 फिक्स्ड सिचुएशन में शूट करते हो, कई बार 4K 60 रखा, कई बार 1080 पे 120 FPS रखा, तो इस एक्शन 4 में बढ़िया चीज़ मुझे लगी, आप कस्टम प्रीसेट्स बना सकते हो अपने सेटिंग के। ऊपर से अगर मैं स्वाइप करूंगा, यहाँ पे पहली ऑप्शन है जहाँ आप जो भी सेटिंग आपने सेट करी है ना उसको आप क्रिएट कर दो कस्टम प्रीसेट, और इस तरीके से अब आप जब भी मोड चेंज करोगे ना, वीडियो टू फोटो वाला जो यहाँ पे ऑप्शन आता है वहाँ आपको C1 C2 C3 करके भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जहाँ आपको जो वाला कस्टम ऑप्शन चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लो, वो सेटिंग ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। और ये चीज़ काफ़ी सही है, स्पेशली अगर आप अलग अलग सेटिंग्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो तो आप उसको कस्टम बना के एक्शन 4 में रख सकते हो। अब बात करते हैं बैटरी के परफॉर्मेंस की,
थी, तो बैटरी बैकअप ब्रांड क्लेम करता है 160 मिनट्स, बट आप रफली ये ले सकते हो 2-2.5 घंटे अगर आप 4K में शूट कर रहे हो ना, 2 घंटे ईजिली आप शूट कर सकते हो, जो एक्चुअली अच्छा है। काफ़ी एक्शन कैमरा में मैंने देखा है 30-45 मिनट तक बैटरी चली जाती है, बट प्रैक्टिकली आप 1.5 से 2 घंटा ऑन अ सेफ साइड आप शूट कर सकते हो। बट सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी इसका चार्जिंग टाइम, आप 50 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे में इसको फुल चार्ज कर सकते हो, जो एक्चुअली काफ़ी इंप्रेसिव है। तो इसके अंदर फास्ट चार्जिंग है जिसका यूज़ करके आप मान लेते हैं आप काफ़ी ट्रैवल करते हो, आपने शूट किया, आपको 30-45 मिनट में बैटरी चार्ज करनी है, तो वो आपको एक्शन 4 में मिल जाएगा। और एक और चीज़ इसमें बढ़िया है कि जब मैं ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो यहाँ 1x लिखा हुआ दिखता है मुझे, तो अगर मैं 1x पे लॉन्ग प्रेस करके इस तरीके से व्हील को मूव करता हूँ ना, तो मैं जूम इन कर सकता हूँ अप टू 2x। तो ये डिजिटल जूम है, बट स्टिल आपको ऑप्शन मिलता है, ये है 1x नॉर्मल जो वाइड एंगल है, और इस तरीके से मैं 2x जूम करके भी यहाँ पे वीडियो में जूम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप एक्शन 4 में वॉइस कमांड के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन भी कर सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो। एक बार स्टॉप करके देखते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो ये दिक्कत एक्शन 3 में भी थी, 4 में भी हो रहा है, इससे पहले भी हमने 2-3 बार ट्राई किया, 2-3 बार स्टॉप बोलने पे तब ये रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता है, स्टार्ट पहली बार में कर देता है। फोटोज़ भी जब हम ले रहे थे, आप टेक फोटो बोल के इसमें फ़ोटोज़ भी ले सकते हो फोटो मोड में, तो वो भी एकदम सही काम कर रहा है, बट जो स्टॉप वाली चीज़ है उसमें दिक्कत है। बट ये चीज़ बढ़िया है कि अगर आप इस एक्शन कैमरे को कहीं डिस्टेंस पे रख रहे हो, या मान लेते हैं मुझे चलते हुए कुछ अच्छा सीन लगा, मुझे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, तो वॉइस कमांड दे के आप वीडियो स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हो। अब जो एक्शन 4 का कॉम्बो पैक आता ना, जो मेरे पास है, जो मैंने अनबॉक्सिंग में आपको दिखाया था, उसमें ये एक्सटेंशन स्टिक भी मिलती है, जिसको इस तरीके से लाइक ये काफ़ी हाइट है इसकी, आई थिंक मेरी हाइट 6'2" है, तो अराउंड 5.5 फीट से थोड़ी ज़्यादा ये स्टिक है। और बढ़िया चीज़ है कि मान लेते हैं अगर मुझे कुछ शूट करना है, फेक ड्रोन शॉट बनाना है, वो भी इससे आप इजीली कर सकते हो, एक डिस्टेंस से हाइट से कुछ वाइड एंगल ऑफ व्यू में शूट करना है, वो भी आप कर सकते हो। तो बढ़िया चीज़ मुझे लगी, लाइट वेट भी है एंड एट द सेम टाइम इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, जो एक्सटेंशन स्टिक आपको बॉक्स के अंदर जो कॉम्बो है उसमें मिलता है, अदरवाइज आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। बाकी अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूँ, डायनामिक रेंज मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी, जब सन मेरे पीछे भी था तब भी ये कलर्स बहुत अच्छे से दे रहा था, स्काई बहुत बढ़िया निकाल रहा है। तो अगर आपको आप आउटडोर ज़्यादा शूट करते हो ना, आप ट्रैवल वीडियोस बनाते हो, आपको डायनामिक रेंज बहुत अच्छा मिलेगा। और सबसे बढ़िया चीज़ है, गोप्रो में एक दिक्कत क्या है कि जो फेस है ना बहुत डिस्टॉर्टेड आता है, स्पेशली सबसे अल्ट्रा वाइड वाले मोड में। एक्शन 4 में मुझे वो चीज़ नहीं लगा, फेस बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, इवन जो बैकड्रॉप में डिस्टॉर्शन है ना, जो पीछे होना चाहिए, वो बहुत वेल मेंटेन्ड है, कंसिडरिंग कि ये बहुत वाइड एंगल में वीडियो कैप्चर करता है। और अगर आप DJI एक्शन 4 में स्लोमो वीडियो शूट करना चाहते हो, तो 4K में आप 120fps तक शूट कर सकते हो, और 1080p में आपको 240fps का ऑप्शन मिलता है, और एक्चुअली जो फुटेज है काफ़ी स्मूथ है, एंड ये चीज़ बढ़िया है कि स्टेबलाइजेशन बहुत सही आता है, तो इस तरीके के जो आप रनिंग शॉट्स देख रहे हो आप इजीली स्लोमो में कैप्चर कर सकते हो। उसके अलावा बहुत बढ़िया एक्शन कैमरा है, आप इसको हॉरिजॉन्टल यूज़ कर सकते हो, इसका माउंटिंग सिस्टम मुझे बहुत बढ़िया लगा, जो मैग्नेटिक माउंट है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल में मूव कर सकता हूँ, स्टेबलाइजेशन अच्छा है, वीडियो परफॉर्मेंस बढ़िया, इवन फोटोज़ भी हमने कुछ खींची, फोटोज़ में भी मुझे रेजोल्यूशन अच्छा लगा, डायनामिक रेंज इज गुड, इवन कलर्स काफ़ी अच्छे से बैलेंस्ड हैं। तो मुझे लगता है जिस प्राइस पे आने वाला है, अगर ये 40,000 के अंडर होगा, देन इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, GoPro 11 का एक बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटर ये हो सकता है। आपको क्या लगा कमेंट करके बताना। और एक और क्वेश्चन काफ़ी लोगों का ये आता है कि GoPro 11 में 5.3K है, इसमें सिर्फ 4K है, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ता है? देखो, प्रैक्टिकली आप जब 5.3K में शूट करोगे ना, पहली चीज़ उसको एडिट करने में आपकी मशीन उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आप अपलोड जहाँ कर रहे हो क्या वो 5.3K में अपलोड होता है, बिकॉज मोस्टली अभी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स 1080p या 4K में करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकली शूट तो आप 4K में ही करोगे, सेंसर साइज से फ़र्क पड़ता है, जो कंपेरेटिवली GoPro 11 से बिगर सेंसर है, तो कहीं ना कहीं इसका जो इन्फॉर्मेशन है, जो क्वालिटी है, वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिक।